हे गाइस, तो अभी हमने दो एग लिए हैं और इसका बनाएंगे हम एक अच्छा सा ही मास। तो पहले मैं गाइस बहुत एग यूज करती थी अपने बालों पे, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे कि मैं एग नहीं खाती थी, तो निखिल ने जैसे ही एग खाना छोड़ दिया है तो घर में एग आता भी नहीं है। सो वो बोलते हैं कि बालों पे भी नहीं लगाना है, लेकिन मैंने कल किसी ना किसी तरीके से फिर से एग मंगवा लिया है नैनू से। कि मैंने कहा अरे बाल बहुत ही रफ और ड्राई हो गए हैं, मैंने जब से ना केराटिन लिया है ना तब से तो बहुत ड्राई, एक बार बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसके बाद ना बहुत खराब। तो जितना भी एलोवेरा था वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और चलिए अभी इसको लगाते हैं। तो गाइस स्मेल तो इतनी ज्यादा आ रही है क्योंकि मैं खाती नहीं हूं ना, तो बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। लेकिन हाँ बस वही है ना, बालों की बात है तो लगा लिया। हाथों में ना इतनी गंदी स्मेल हो जाती है, मैंने ग्लव्स भी नहीं डाले सो मैंने बस लगा लिया है। और अभी हम ऐसे फॉल बालों को अच्छे से बांध के, बस मुझे रिजल्ट जानना है कि मैं केराटिन के बाद एक भी हेयर मास्क यूज नहीं किया है। सो मुझे डर लगता था कि कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि गाइस जब केराटिन लेते हैं ना तो बाल हैवी हो जाते हैं, जितने भी केमिकल जो क्रीम वगैरह जो भी लगते हैं, प्रोटीन की एक लेयर चढ़ाई जाती है, उससे बाल बहुत स्मार्ट लगते हैं क्योंकि वो प्रोटीन ही होता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम ये प्रोसेस जो घर पे ही करें बजाय केमिकल वाले प्रोटीन की। तो अब की बार मैंने सोचा कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं, या तो मेरे बाल जैसे भी थे उससे ज्यादा खराब हो जाएंगे या फिर मुझे अच्छा लगा। तो हेलो एवरीवन, तो मुझे अभी मॉर्निंग में सुबह सुबह एक है ना ये पार्सल रिसीव हुआ है, देखो अमेजोन से। तो देखते हैं चलिए इसमें क्या आया है मेरे पार्सल में। खैर मुझे तो पता है कि क्या आया है, लेकिन आपके सामने ही खोल लेते हैं कि इसमें क्या है, कैसी चीज आई है मतलब। तो आप देख सकते हैं कि क्या है, तो इसमें आई है प्यारी सी ब्लैक कलर की हील, और हील मैंने अब की बार थोड़ा ज्यादा नहीं ली है। वाओ, जैसा मुझे चाहिए था वैसी हील है इस पे, क्योंकि पेंसिल हील बहुत मुश्किल होती है गाइस। और इस हील की ना खास बात यह है कि ऊपर तक बांधने वाली हील है, ये देखो कितनी प्यारी है ना, एकदम वेरी सिंपल सा ये है। और देखो बहुत कंफर्टेबल भी है, बहुत प्यारी सी है, कैसी लग रही है दीदी? अच्छा है। और ये देखो ऊपर तक बांधने वाला है, तो ट्राई करके दिखाती हूँ। और ये देखो वाओ, दिखने में तो बहुत प्यारी है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज है ना ये, इतनी हील होती है। ये देखो बहुत प्यारी लग रही है, और मेरी हाइट ठीक है, मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ इतना कम नहीं है, तो मैं ज्यादा हील पहनूंगी तो बहुत हाइट लगती है मेरी। सो चलिए ट्राई करके देखते हैं कैसा लुक आता है इसका, वैसे दिखने में बहुत स्मार्ट है। तो गाइस ये हील जो है ना, और वैसे भी ब्लैक और रेड तो गाइस बहुत ही हील में सबसे ज्यादा बिकने वाला कलर है शायद। तो ये वाली हील देखो, वाओ कितना प्यारा है, ऐसे पहना जाता है, लुक तो बहुत ही क्यूट है। मेरे ख्याल से ये ऐसे ही पहने जाएंगे, मैंने पिक में देखा था ऐसे पहने जाते हैं ये, कितना स्मार्ट लग रहा है ना। और ये ऐसे, ये थोड़ा पीछे से ऐसे नहीं रहना चाहिए ये, कोई भी आप है ना मेरी। तो गाइस मैंने एक ड्रेस लिया है नानू के बर्थडे के लिए, ब्लैक कलर का जो नी तक है मेरे, और उसके बाद ये वाली हील मैं उसके साथ वेयर करूंगी, तो आपको ना दिखेगी वो ब्लॉग के अंदर। सो गाइस आप बताना मुझे तो कितनी प्यारी है, वाओ कैसी लग रही है दीदी? अच्छा लग रही है, बहुत सुंदर है ना। तो गाइस मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आप भी कमेंट करके बताना कि कैसी है ये हील। वो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है इसका, शायद 499 मतलब 500 की है, और है ना लिमिटेड स्टॉक था उस टाइम, है ना नैनू? लिमिटेड स्टॉक था और लिमिटेड, और गाइस आप अभी परचेज कीजिए क्योंकि लिमिटेड टाइम ऑफर था इसका। वो मैंने ना अभी 4 दिन पहले ही गाइस ये ऑर्डर की।